हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई ट्यूब चैनल मैं पीएमना आज आपके सामने सी आर पी एफ पैरामेडिकल स्टाफ की कुक ट्रेड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आप सभी ने अपना फिजिकल स्टैंडर्ड पास करके अब एग्जाम में लग चुके हो एंड जो कैंडिडेट कुक ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया था उसके लिए मैंने पार्ट वन लेके आया हूँ जो कि आपको सभी को पता है आपका एग्ज़ाम रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 तो आपके जी एस टी के जनरल नॉलेज मैथेमेटिक्स आएंगे एंड 50 आपके जो ट्रेड लगाए आपने उस ट्रेड के आएंगे तो मैं कुक ट्रेड वालों के लिए 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना वो लेके आऊँ मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मैं पार्ट वाइज कराऊंगा आपको एक पार्ट में 500 क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं इसके 10-15 पार्ट रखूंगा उसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे तो उन 500 क्वेश्चन में से सीआरपीएफ आर स्टाफ के क्वेश्चन आएंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा जिस बंदे को सीआरपीएफ आर स्टाफ में जॉब करनी है ना वो मेरे द्वारा बनाए गए पाँच क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करे क्योंकि इनसे बाहर सी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी क्योंकि जहाँ से सी क्वेश्चन पूछेगी ना वहाँ से हम डायरेक्ट उठा के लाए आपके लिए जहाँ से सी की खत्म सोच खत्म होती है वहाँ से इस पीएम चैनल की सोच शुरू होती है तो बने रहिए इस चैनल के माध्यम से हमारा पेस्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका आज का इस वीडियो का पेस्ट क्वेश्चन है अधिक मीठी बनी डिश को आप किस टिक कर सकते हो यानी अधिक मीठी बनी डिश को आप कैसे टिक कर सकते हो तो दोस्तों ये सी क्वेश्चन है डायरेक्ट टाइपिंग करके पूछे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन है नमक और टमाटर डालें नींबू और नींबू का पानी निचोड़े अधिक पानी डाले या तेल डाले यानी इसमें ऐसे बोल रहा है कि जब कोई मिठाई ज़्यादा मीठी हो ना तो उसका फीका हम कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नींबू और नींबू का पानी निचोड़ सकते हैं अधिक बनी डिस को हम ठीक कर सकते हैं नींबू का निचोड़ करके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बंगाली मिठाई है आपके सामने चार ऑप्शन है इनमें से आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है इनमें से कौन सी बंगाली मिठाई है रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी जो आती है कुल्फी वो तो दोस्तों आपको चित्र के सामने आंसर का वैसे पता लग गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है रसगुल्ला रसगुल्ला बंगाली मिठाई है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें दो फायदे होंगे आपको जो सजावट जो आप ट्रेड में करवाएंगे वो भी आप कर सकते हो इस प्रकार आपको सजावट करनी है ट्रेड में तो एंड आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो एक वीडियो में डबल फायदे डबल धमाल हो रहे हैं इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिटजेल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गाढ़ी चासन में होती है उस मिठाई का क्या नाम है गाजर का हलवा जलेबी गुलाब जामुन रसगुल्ला तो दोस्तों चित्र में आपको इसका राइट ऑप्शन दिख गया होगा तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी जलेबी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक्स करने का क्या अर्थ है ब्रेक्स करने का क्या अर्थ है माइक्रोविदी अवन में कहना पकाना अवन में कहना पकाना दोस्तों खाना यहाँ पे जो कि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो देती है तो खाना पकाना बंद कनेक्टर में दरों की छोटी मात्रा में खाना पकाना इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों ब्रेक्स करने का जिसको इसका अर्थ है ना इसका सी ऑप्शन राइट है बंद कनेक्टर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चावल का बना आंध्र प्रदेश का लोक डिश है यानी निम्न में से कौन सा चावल का बना आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय डिश है यानी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश है ना जो कि हमारा राज्य है उसमें कौन सी डिश है जो कि सुप्रसिद्ध चावल से बनी हुई चित्रना घी चावल मोसराना बिरयानी इसका राइट right ऑप्शन आपको देना है तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन है डी बिरयानी दोस्तों आपको पता है बिरयानी ऐसी बनती है आप चित्र में भी देख सकते हो आपको पूछे कि बिरयानी आपको सामने रख दे क्या है तो आप उनको बता सकते हो ये बिरयानी है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में निम्नलिखित लोकप्रिय डिशों में से किसका उदय दक्षिण भारत में हुआ आपको बताना दक्षिणी भारत में किस डिश का उदय हुआ था चटनी मल्टीगानी सूप मसाला या खोरमा दोस्तों इन चार ऑप्शन में आपको बताना है अगर एक चित्र किसी को यानी याद है तो नाम बता सकता है किसी ने देखा हुआ है तो तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका की डिश को हमें इतना नॉलेज नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन है बी मल्टीगानी गानी सूप यह सूप ऐसी होती है जो कि आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन तंदूरी शैली की पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है आपको यह बताना है तंदूरी शैली ये जो यह है ना जो आपको चित्र देख रही है ये कहाँ की प्रसिद्ध है यानी कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट यानी इसका क्या नाम है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकप्रिय है ये तंदूरी शैली की पाक विधि महाराष्ट्रीय राजस्थानी पंजाबी गुजराती तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी पंजाबी पंजाबी लोग ज़्यादा तंदूरी शैली की पाक विधि से परिचित हैं वह लोग यही रोटी ज़्यादा खाते हैं तंदूरी नेक्स्ट करी का आहारभूत घटक क्या है करी जानते हैं ना आप करी जानते हो आप करी तो आप देख सकते हो इसका राइट ऑप्शन नारियल हल्दी दालचीनी या सुक्रोज तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है दालचीनी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पाक विधि का एक मुख्य घटक है घी घी क्या है तो इसमें आपको सामने चार ऑप्शन है बेस के दूध का मक्खन आटा तथा मक्खन का निर्माण आटा या मक्खन का मिश्रण है सभी तो दोस्तों आप सभी होता है कि क्या होता है तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बेस दूध का मक्खन घी होता है नेक्स्ट भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं लस्सी कुल्फी खरी बसुड़ी ये चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपका कुल्फी भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं कुल्फी ये आपके सामने कुल्फी जब आप देख सकते हो आपके सामने कुल्फी अगर आपको पे ट्रेड में जो आपको सजाने के लिए बोलेंगे कि कुल्फी को सजाओ आप तो ऐसे सजा सकते हो नेक्स्ट साधारण तौर पे भोजनालय में कितने प्रकार के चाकू होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी साधारण तौर पे भोजनालय में कितने प्रकार के चाकू होते हैं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपको है आठ प्रकार के दस प्रकार के पांच प्रकार के या तीन प्रकार के यानी कि चित्र में तीन है तो आप तीन प्रकार के लगाओगे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आठ प्रकार के चाकू होते हैं साधन तौर पे भोजनालय में नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका आविष्कार भारत में किया गया यानी किसका आविष्कार भारत में किया गया था टमेटो का एच वी सोस का हेलिस का या विशोस स्टार्टर सोस का यानी वी यू सो स्टार्टर्स सोर्स होता है ना उसका तो आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन क्या है यानी भारत वालों ने किसका आविष्कार किया था तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी ऊसा स्टारस का सोर्स होता है इसका भारत में निर्माण किया था भारत में आविष्कार हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी धमाकेदार आएगा निम्नलिखित अधिक तले हुए स्नेक में से कौन सा बाजी के समान है तो दोस्तों आपको चित्र में वैसे दिखा होगा जो अधिक तेल में स्क्रेन के रूप में बाजी के समान हो वो क्या होता है टिक्का पकौड़ा या साग या वड़ा तो रोज तो इसका राइट ऑप्शन है बी पकौड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ स्वराधिक साधारण प्रयुक्त किया जाता है तो दोस्तों आपको चित्र में दिल नहीं है दिल के अंदर जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए नारियल अदरक लहसुन या बादाम तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है लहसुन लहसुन से हम जो गोवन भोजन है ना उसको सुगंधित कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साधारणतया तय निम्नलिखित में से निम्नलिखित भोजनों में से किसका मुख्य संगन नारियल है ये साधारणतया तय निम्नलिखित भोजन में से किसका मुख्य संगन नारियल है खरमा रोगनजोश संदक या मेथी तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन आपको बताना है तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन है खोरमा खोरमा ऐसा होता है आपको जो प्लेट है इसके अंदर है ना ये खोरमा है तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन हो गया खोरमा नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तीखी करी सबसे मसालेदार कौन सी होती है पतिया बिंदालू मद्रास या कश्मीरी जो मर्ची होती है ना सबसे तीखी वो कौन सी होती है तो आपको इन ऑप्शन में जो आपको बताना है देखो जो प्लेट में देखो कितनी रेड कलर की दिख रही है तो आपको बताना है सबसे मसालेदार कौन सी मिर्ची होती है तीखी कौन सी होती है करी बोलते हैं करी इसका राइट right ऑप्शन है बिंदालू बिंदालु करी है ना ये सबसे मसालेदार होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज्यादा है आपको बताना है ये जो आपके सामने चार ऑप्शन है उनमें से किस डिश में सबसे ज्यादा प्याज डालेंगे प्याज होता है सालसिक पसंदा दुपयाग्ञा या जलफ्रेजी तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी दुपयाग्ञा दोस्तों अगर ये नाम आपको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारतीय मीठा नहीं है आपको बताना है ये जो आपके चार ऑप्शन आपने सामने इनमें से कौन सा मीठा नहीं है चर्च है करवाई बल्टी कुल्फी गुलाब जामुन तो दोस्तों आपने करवाई का नाम सुना है वो मीठी आती है कुल्पी का नाम सुना है वो मीठी आती है गुलाब जामुन तो बहुत मीठे आते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन है बी बल्टी बल्टी कोई चचरी चीज आती है ये कोई मीठी नहीं आती है नेक्स्ट मायोनानाइस बनाने में अंडू का पाक उपयोग क्या है जो मायोनइस है ना तो बनाने में अंडू का उपयोग को क्या कहते हैं बांधना हवा भरना प्रकृत करना या पायस करना तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पायस करना डी ये जो आप ये जो कर रहे हैं ना ये ये पायस यानी घोल रहा है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन रोक्स में मक्खन तथा आटे की सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉस साफ रहे अलग ना हो सही रंग प्राप्त करे वांछित सुगंध का हो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको इसका राइट right ऑप्शन है अलग ना हो ये आपके सामने तो डायग्राम है ये मक्खन का है सफेद सफेद वाला मक्खन होता है ना उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फल की पाक विधि की किस नाम से सुगंध और नमी प्रदान करते समय फल का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन यानी फल की पाक विधि की किस नाम से सुगंध और नमी प्रदान करते समय फल का रूप अपरिवर्तित रहता है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए गर्म पानी में तलना आपके सामने फल फ्रूट रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन काम मत लेना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करतन छुरी क्या होती है तो छुरी ये क्या होती है आपको इन चार ऑप्शन में बताना है मटर काटने की छुरी छोटे घटकों को छीलने की छुरी भोजन को काटना ब्रेड को काटने के लिए तो दोस्तों भोजन को तो हम काट नहीं सकते ब्रेड को भी हम काट नहीं सकते छुरी से इसका राइट right ऑप्शन है छोटे घटकों को छीलने की छुरी करतन छुरी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यूरी है ये दिश वाज प्यूरी प्यूरी क्या है सब्जी का रस सब्जी या फल का मेस किया हुआ गुद्दा फलू का रस या इनमें से कोई नहीं या ये कोई काम नहीं आती है तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन है सब्जी या फल का मेस किया हुआ गुद्दा इसको हम प्यूरी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उबलते हुए पानी में नमक डालना उस पर क्या प्रभाव डालता है जब उबलते हुए पानी में हम नमक डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है पानी उबलने की प्रक्रिया को तेज करना पानी उबलने की प्रक्रिया को मंद करना पानी को मृत्यु करना या पानी का उबलना ही बंद कर देता है उबलते हुए पानी में जब नमक डालेंगे तो क्या होता है तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है जल्दी बताओ मैं बताऊंगा फिर मंद करना तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पानी उबलने की जो प्रक्रिया ना उनको मंद करना जो पानी जो उबलने लग जाता है ना उसको डाउन कर देती है जब उसमें नमक डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन कर्तन बोर्डों में से सबसे स्वस्थ कर कौन सा है आपको बताना है जो आप जो खाने की चीजें डालते हैं ना उसके लिए बेहतरीन चीज कौन सी है लकड़ी बांस प्लास्टिक रबर आप ये समझ लीजिए कि जब खाना खाएँ कहीं पर ले जाते हैं ना तो कौन सा माध्यम में ले जाएँ कि वो अच्छा रहेगा लकड़ी में बांस में प्लास्टिक में या रबर में तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है प्लास्टिक में ले जाएंगे तो हम अच्छा रहेगा जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो लकड़ी में ले जा नहीं सकते बांस में कैसे ले, ले जाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन का पूछने का माध्यम ये है नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों ये क्वेश्चन पार्ट वन के माध्यम से आपको उपलब्ध हो चुके हैं किसी भाई को अगर और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में बता देना हम उसको लिस्ट बता देंगे पूरी एंड नेक्स्ट वीडियो कल आएगा या परसों आएगा उसमें इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे जो कि पचास पचास प्लस क्वेश्चन आएंगे अगर आप भाइयों का सपोर्ट रहा तो आएंगे आएंगे जो क्वेश्चन अगर आप भाइयों का लाइक कमेंट कुछ भी नहीं हुआ तो मैं नहीं भेजूंगा तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना कुक ट्रेड के सी आर पी एफ पैरामिल स्टाफ के ये क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा टाइप किए हुए हैं ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे जो ये डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बना जो मॉडल पेपर है जो पहले वाले पुराने पेपर थे वहाँ से लेके हूँ आप सभी को होता है को कुका का कोई करंट जी तो है नहीं तो कि इसका न्यू क्वेश्चन बन के आएगा ये पुराने क्वेश्चन यहाँ है शेयर पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी नोट आंसर हो कुक ट्रेड के तो मैं आपको गारंट लेता हूँ पचास के क्वेश्चन पूरी क्वेश्चन है ना मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे जब आप पेपर देख के आओगे ना तो मिला लेना थैंक यू दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना